चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टी और नेता किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इसका खुलासा आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। हाल ही में कुछ ऐसे प्रत्याशी सामने आए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनको सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से डमी कैंडिडेट बनाया गया है। डमी कैंडिडेट यानी कि ऐसे उम्मीदवार जो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी जिनको डमी कैंडिडेट बनाया गया, उनका ये कहना है कि पैसों का लालच देकर उन्हें डमी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जितने पैसे देने की बात कही गई थी उतने पैसे उन्हें नहीं दिए गए हैं। जानकारी ये भी सामने आई है कि रायपुर की सातों विधानसभा सीटों पर कुल 200 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। इसमें भाजपा के कद्दावर मंत्री का नाम सामने आ रहा है, वहीं बिचौलिए के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसका पहले भी कई विवादों से नाता रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कराया गया था, जिसमें से पप्पू रिश्ते के द्वारा मुझे 3 लाख रुपये राशि देने का आश्वासन दिया गया था और वहाँ आश्वासन के लिए मैंने चुनाव लड़ा और जिसमें से मुझे 70,000 प्राप्त हुए और बाकी के पैसे मांगने पर मेरे को मारने पीटने की धमकी, शहर से उठवा लेने की धमकी, चुनाव के बाद देख लेने की धमकी, इस प्रकार की धमकी जिसके तहत मैंने रायपुर के पुलिस महकमे से शिकायत की उच्च अधिकारियों से और इसी प्रकार से रायपुर जिले के अंतर्गत में लगभग 200 निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा किया गया पप्पू रिश्ता के द्वारा। पप्पू रिश्ता का एक ही कहना था, इस बार हमको चौथी बार बीजेपी सरकार लेके आना है, इस वजह से हम यहाँ पर पूरे निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, जिसमें से हर समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुस्लिम समुदाय ये में खड़ा किया जाएगा, राजपूत समुदाय के जो क्षेत्र है वहाँ पर राजपूत के खड़ा किया जाएगा। जैसे अभी हमारे बलदेव प्रकाश द्विवेदी जी है, उनको साफ कहा गया था आपको सत्यनारायण शर्मा जी के पूरे वोट काटने हैं, आपको सत्यनारायण शर्मा जी के पूरे आपको वोट काटोगे और आप में एक ब्राह्मण एक महाराज हो, आप अपने समाज से आप अपने लिए वोट मांगोगे, ये कहा गया था बलदेव प्रकाश द्विवेदी जी को। अब मुझे कहा गया था आप मुस्लिम समाज से हो, आप RTI के तहत में काम करते हो और आपसे ये है आप अपने पूरे मुस्लिम समाज से आप ये करिए। मैं बलदेव प्रकाश द्विवेदी रायपुर ग्रामीण निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरे को पप्पू फरिश्ता ने 2 लाख रुपए देने की बात की थी, जिसमें से उसने 45,000 रुपए ही मुझे दिए हैं और बाकी के पैसे मांगने पर मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, प्लस उसके कर्मचारी शाहरुख कुरैशी के द्वारा धमकी दी जा रही है कि सभी प्रत्याशियों को धमकी देते हुए मैं प्रेस का मालिक हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों को मैं देख लूँगा, अंदर करवा दूँगा, हाथ पैर तोड़वा दूँगा और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दे रहा है और परिवार को उठवा लेने की भी धमकी दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस प्रकार का नहीं है कि वो किसी को डमी कैंडिडेट खड़ा करे या उनको पैसे के मदद करे। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बदौलत अपने संगठन की बदौलत और जो हमने बहुत ही शून्य से यहाँ पर यात्रा प्रारंभ की, तो अपने संगठन के मुद्दे पर अपने कार्य के आधार पर अपने विकास के आधार पर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि कोई इस प्रकार का कह रहा है तो वो किसी के बहकाव में आकर इस प्रकार की बात या किसी के प्रलोभन में आकर इसके ऊपर या पैसे के लालच में इस प्रकार की बात जरूर कह रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार का काम नहीं करती। जिसका नाम वो ले रहे हैं न तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, न भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, न भारतीय जनता पार्टी से उनका दूर दूर तक कोई